भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने समीक्षा भवन में शिक्षा की गुणवत्ता पर बैठक कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना के कारण 2 वर्ष से बच्चे विद्यालय नियमित रूप से नहीं जा सके हैं, जिसके चलते पठन पाठन का कार्य काफ़ी बाधित हुआ है। साथ ही साथ विद्यालय के कई पहलुओं पर गिरावट आई है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के विकास पर भी विचार किया गया। उसके बाद जितने भी जगह स्मार्ट क्लास बोर्ड दिए गए हैं, उस पर भी विशेष पहल करते हुए पढ़ाई कराई जाने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थिति पर जोर देने की बात कही, जिससे बच्चों के शिक्षा में विकास हो। साथ ही उन्होंने कहा मध्याह्न भोजन के क्वालिटी के में कई जगहों से शिकायत आती है, उसे दुरुस्त करने पर बल दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां भी गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं पाया जाएगा, वहां के अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चे को मिड डे मील में खाना अच्छा से अच्छा मिले, जिससे वह तन और मन दोनों से स्वस्थ रहकर पढ़ाई कर सके और अपने राष्ट्र का उज्जवल भविष्य तैयार हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल अच्छा करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो स्कूल सही नहीं पाए जाएंगे उन्हें सुधारने की कवायद की जाएगी। इस बैठक में शिक्षा पदाधिकारी DDC के अलावे दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। विभाग के साथ बैठक की गई, शिक्षा विभाग की आज विस्तृत समीक्षा हुई है। 2-3 बिंदुओं पर खास हम लोगों ने ध्यान देने के लिए बोला है कि कोविड के कारण स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं रही है, स्कूल भी बंद रहे हैं, बच्चे भी पर्याप्त संख्या में स्कूल में नहीं पहुंच पाए थे पहले, तो एक तो उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए स्कूलों में शिक्षकों की एवं बच्चों की, दूसरा जो स्मार्ट क्लास है वो संचालित हो अच्छे से ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, तीसरा है कि जो MDM का खाना होता है वो क्वालिटी खाना बच्चों को समय से मिल पाए, और किसी भी कारण से वो MDM का जो मील है वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो बंद होगा तो उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, वो उन पर हम लोग करेंगे। तो और कुछ जो विषय हैं वो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को लेकर के, कुछ स्कूलों को हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं हर एक महीने में, कुछ अच्छे स्कूल जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ बनाया जाए, और कुछ खराब प्रदर्शन जिन स्कूलों का रहा है उनमें कैसे हम लोग सुधार करें, इसके लिए एक इंटरेक्शन की व्यवस्था विभिन्न प्रधानाचार्यों की हम लोगों के साथ, ये व्यवस्था हम लोग अगले महीने से शुरू करने जा रहे हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।